hello students. in previous video, we have started the uh, revision of unit 5 and we have revised that how to divide the number by using repeated subtraction method. and we have also revised how to divide uh, by using the multiplication table. that is orally, how we can divide recite um, the table score and we can easily get the quotient now uh, we will revise the terms used in division right so uh, division fact suppose uh, we have to divide 12 divided by 3 so 3 fours are 12 so what do we call these terms so this is our dividend this is dividend that means divide kar number to be divided is called dividend द नंबर विच डिवाइड दैट मीन जिसका हम टेबल रिसाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिवाइजर राइट जिसका हम टेबल रिसाइड करते हैं एंड द रिजल्ट जो हमारा आंसर आता है दैट इज द क्वेश्चन सो दीज आर द्री टर्म्स यूज एंड इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन भी हैं यू कैन सी हेयर दिस इज वेरी इजी सो वी विल डिस्कस दैम इन शॉर्ट आपको अगर डिविडेंड दिया है डिवाइजर दिया है देन यू कैन फाइंड आउट द कोशन एंड ऑल्सो राइट द डिविजन फैक्ट सो डिविजन फैक्ट में डिविडेंट यू हैव टू राइट डिवाइडेड बाय द डिवाइजर एंड इज इक्वल टू द रिजल्ट दैट इज द सो इफ द दिवीडेंट इज गिवन डिवाइजर इज गिवन यू कैन इजिली फाइंड आउट द कोशंट एंड राइट द डिविजन फैक्ट दैट मीन्स डिविडेंट को डिविडेंट कीजिएगा डिवाइजर को डिवाइजर uh, की जगह एंड क्वेश्चन इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन इजली डू दिस ना टूडे बट वी हैव टू रिवाइज रिवाइज इज़ इज़ द डिविजन बाय लॉन्ग डिविजन मैथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई बिकॉज यही चीज है जो आपकी हायर क्लासेज में यूज होनी है वेन एवर यू डू द डिविजन आपको यही लॉन्ग डिविजन मैथड यूज करना होगा so this is the most important thing that you have to do and learn so uh, division by today we will revise division by long division method so jomara simple uh, by using the multiplication ta table that is very easy now let us take the example uh, divide by using long division method so

बट द ओनली थिंग इज हम इसको लॉन्ग डिविजन मैथड से कर रहे हैं रिजल्ट विल बी ऑल्सो सेम रिजल्ट भी सेम ही होगा क्योंकि कोई हम किसी भी मैथड से यूज कर रहे हैं हमारा आंसर तो हमेशा सेम ही आता है सो थ्री सिक्स एटीन राइट वो तो आना वही है थ्री सिक्स ज एटीन एंड देन वी सब्ट्रैक्ट सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड बाय लॉन्ग डिविजन मैथड वी वी राइट क्वेश्चन हेयर एंड जो हमारा नीचे बच जाता है वच इज लेफ्ट हेयर सब्ट्रैक्ट करने के बाद लास्ट में जो बचता है दैट इज कॉल्ड द रिमेन्डर राइट नाउ लेट एस टेक सम बिगर एग्जाम्पल बिगर इन द सेंस कि जहां पर हमारा यहां पर तो हमारा डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है बट देर आर सम केसेस जहां पर हमारा डायरेक्ट जो है जैसे हमारा टेबल में नहीं आता है

जैसे यहां पर हमारे पास थ्री सिक्स आ गया ये तो डायरेक्ट टेबल में आ गया बट हेयर इन दिस केस फाइव के टेबल में ट्वेंटी एट नहीं आता सो वी कान यूज दैट मल्टीप्लीकेशन टेबल मैथड सो हेयर वी हैव टू यूज द लॉन्ग डिविजन मैथड सो लेट एस डू ट्वेंटी एट डिवाइडेड बाय फाइव राइट सो हम क्या देखते हैं इसमें

ग्रेटर है या इक्वल है सो फर्स्ट डिजिट इज स्मॉलर डिवाइजर। तो ये नहीं होना चाहिए डिवाइजर से छोटा सो व्हाट वी हैव टू डू हमें यहां पर क्या है या तो इक्वल होना चाहिए या फिर ग्रेटर होना चाहिए इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन मेक इट ग्रेटर हाउ वी विल टेक द टू डिजिट्स टुगेदर सो इट बिकम्स 28 एट सो हम ट्वेंटी एटाइड दाइव टेल ट्वेंटी सो यू नो कि फाइव के टेबल में ट्वेंटी एट नहीं आता सो फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव एंड फाइव सिक्स फाइव सिक्स इज मोर कर रहे हैं और टेबल हमारा जो डिविडेंड से ज्यादा होता है वहां पर हमने स्टॉप हो जाना है लाइक फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव स्मॉलर देन ट्वेंटी एट फाइव सिक्स थर्टी जस्ट क्रॉस किया है सो वी देयर एंड देन उससे हमने पीछे आना है और जो उससे जस्ट uh, जो उससे पीछे वाला नंबर uh, है वो हमने यहां पर करना है सो फाइव सिक्स ज थर्टी इज ग्रेटर सो उससे पीछे आएंगे सो फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव दैट वी है ट्वेंटी फाइव नाउ इट वट इज लेफ्ट इज थ्री सो इन सच केसेस दिस इज द कोशंट And this is the remainder. So here quotient is 6 and remainder is 0. And in this case, the quotient is 5 and remainder is 3. So questions may be divide and find the quotient and remainder. Right? So in such cases, uh, we can find out the quotient and remainder. Sometimes the remainder is 0, so we have to write 0 remainder. अगर हमारा रिमाइंडर कुछ और होता है देन वी हैव टू राइट दैट लेट अस टेक मोर एग्जांपल हाउ टू डिवाइड बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड नाउ फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय फोर फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय फोर राइट सो डिट फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय वट आई हेव टोल्ड यू कि आपने क्या करना है यहां पर फर्स्ट डिजिट देखना है फर्स्ट डिजिट शुड बी आदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिवाइजर सो हियर द फर्स्ट डिजिट इज फोर दैट इज इक्वल टू द डिवाइजर सो अब हम क्या करेंगे फर्स्ट डिजिट जो डिवाइजर है उसका टेबल हम फर्स्ट डिजिट तक बोलेंगे सो फोर के टेबल फोर का हाथ है फोर वन सा फोर सोट्रैक्टेड जीरो वट इज लेफ्ट इज जीरो नाउ स्टिल वन डिजिट इज लेफ्ट सो अब ये डिजिट क्या होगा नीचे आ जाएगा दैट इज फाइव हम हर स्टेप में वन डिजिट को नीचे लेकर आ सकते हैं सो वी हैव ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज फाइव नाउ वट इज हियर फाइव नाउ वी हैव टू रिसाइड द टेबल ऑफ डिवाइजर टिल दिस नंबर दैट इज फाइव सो रिसाइड इट फोर वन जा फोर फोर टू जट इज ग्रेटर सो ग्रेटर हमने नंबर नहीं लेना है सो फोर टू जट से पहले आएगा फोर वन झा फोर सो सब्ट्रैक्टेड वन सो वट इज लेफ्ट इज दिस इज अवर क्वेश्चन एंड दिस इज द रिमाइंडर नाउ यू कैन सी कि कोई और डिजिट नीचे आने के लिए नहीं है अगर ये और डिजिट भी होता सो वी विल टेक इट डाउन ब्रिंग इट डाउन एंड देन अगेन वी विल रिसाइड द टेबल कब तक हम रिसाइड करेंगे जब तक हमारे डिजिट नीचे आते रहेंगे सो इन दिस वे वी कैन डिवाइड लेट एस टेक सम मोर एग्जाम्पल सो आई होप इट इज क्लियर कि हमने कैसे डिवाइड करना है लॉन्ग डिविजन मैथड से फर्स्ट डिजिट चेक कीजिए इफ इट इज Greater or equal, then it is fine if it is it is smaller than the divisors, then we have to take the next digit also. Then we two digit numbers. Jate uh, suppose 76 divided by 2. 76 divided by 2. So divided 76 divided by 2. Now what we have to see? First of all, we have to see the first digit.

लेफ्ट टू राइट साइड को जाते हैं सो वी हैव टू टेक द फर्स्ट डिजिट दैट इज सेवन सो वट वी हैव टू सी क्या देखना है हमारा जो फर्स्ट डिजिट है वो हमारा डिवाइजर से क्या होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल सो हेयर सेवन इज ग्रेटर देन टू सो वी विल नॉट टेक द सेकेंड डिजिट सेकेंड डिजिट हम सिर्फ किस केस में लेते हैं अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है दैट इज स्मॉलर लाइक इन दिस केस यहां पर हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है टू टू इज स्मॉलर देन फाइव टू क्या है स्मॉलर है फाइव से तो हमें इसको ग्रेटर बनाना पड़ेगा देन वी हैव टू टेक दैट टू डिजिट टूगेदर सो इनको जब इकट्ठा लिया तो इट बिकम्स ट्वेंटी एट सो ट्वेंटी एट इज ग्रेटर ऑफ फाइव ट्वेंटी एट बट इन दिस केस सेवन इज ग्रेटर देन टू सो so, हमें सेकंड डिजिट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है सो डिसाइड दू टू 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 वन जा टू 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 जो टू थ्री सिक्स टू फोर झा एट सो टू फोर झा एट इज ग्रेटर सो वट आई हेव टोल्ड यू कि जैसे ही क्रॉस करता है इस नंबर को हमारा टेबल हमें वहां पर स्टॉप हो जाना है टू फोर जा एट हमें ग्रेटर बिल्कुल भी नहीं लेना है जस्ट उससे पीछे वाले पे जाएंगे टू थ्रीजा टू फोर उससे पहले जाएंगे टू थ्री सिक्स भी नहीं ले सकते टू वन जा टू भी नहीं ले सकते स्मॉलर लेना है बट ऐसा स्मॉलर लेना है कि जस्ट उससे पहले वाला उससे ज्यादा स्मॉलर लेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग वो भी हमारा क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा सो so, टू थ्री जा सिक्स ही हमें लेना पड़ेगा टू टू जा फोर भी नहीं ले सकते क्यों नहीं ले सकते क्योंकि उससे ज्यादा होगा तो हमारा जो रिमाइंडर है जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा दैट इज मोर देन द डिवाइजर सो अगर ये आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब माइनस करके जो यहाँ पर लेफ्ट होता है बची हुई चीज होती है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवाइजर ये जो यहां पर माइनस करके आता है ये हमेशा छोटा होना चाहिए किससे डिवाइजर से अगर ये डिवाइजर के इक्वल हो गया या डिवाइजर से ग्रेटर हो गया दैट मीन्स आपने जो टेबल है वो रॉन्ग रिसाइड किया है रॉन्ग रिसाइड इन द सेंस कि आपने टेबल तो ठीक रिसाइड किया होगा बट आपने यहां पर रॉन्ग डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दिया सो दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप माइनस करते हैं तो आपका जो यहां पर रिमाइंडर बचता है जो आता है दैट शुड ऑलवेज बी स्मॉलर देन द डिवाइजर नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट डिजिट है वो नीचे आ जाता है वी हैव टू ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट सो दैट इज सिक्स नाउ वट इट बिकम्स इट बिकम्स सिक्सटीन it becomes 16 now we have to recite the table of 2 till 16 so 2 1 are 2 2 2 are 4 up recite carrying or directly cut out 2 8 is 16 2 8 is a 16 so marakayaja 2 8 16 right so subtract it what is left is 0 what is left is 0 so now, what is quotient quotient is your thirty eight and remainder is your zero so agar, question will uh, find the quotient and the remainder then you have to write separately quotient is equal to uh, thirty eight and remainder is equal to zero so that you have to write it a question especiallybola i find the quotient and remainder then you have to write. Especially separately, quotient and remainder. Right, so in this way, you can divide the numbers by using long division methods. So, we will discuss a few more examples in our next video, and we will also uh, discuss uh, the properties and word problems of division. Thank you.